नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर अखंड ब्राह्मण महासभा की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी का गठन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधाकर द्विवेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अखंड ब्राह्मण महासभा समिति के संचालक सुभाष द्विवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक कुमार दुबे, कुरारिया प्रदेश सचिव उमाशंकर अवस्थी, शरद कुमार दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता पंकज पांडे, जबलपुर अध्यक्ष दीपक कुमार दुबे एवं ममता द्विवेदी उपस्थित थी, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा जिले के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भेंट किए गए और उनके पद की शपथ दिलाई गई। इस समारोह का संचालन संगीता पंकज पांडे ने किया। करीबन 15-16 महीना हो गया। समिति के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी ये मैं बताना चाहूँगा जरूर, क्योंकि ब्राह्मण के ढेर अनेकों संगठन हैं। हमें ऐसा लगा कि जो सुदूर अंतिम पंक्ति के ब्राह्मण समाज के हैं उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने इस सभा का गठन इसलिए किया ताकि जो एकदम अंतिम पंक्ति के ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनसे मिले, रूबरू हों, उनकी समस्याओं को जाने, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको प्रेरित करें और समाज का जो मुख्य रूप है संस्कार पे जोर दें। इसके बाद जो भी जिनकी जरूरत हो उसको सब सहयोग करके हम लोग पूरा करें। इसके साथ ही साथ हम अपना इष्ट भगवान परशुराम जी को मानते हैं। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार हैं, वर्तमान में जीवित हैं। एक श्लोक है जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कहाँ वे जीवित हैं। अश्वस्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तके चिरजीविनः। ये सात चिरजीवी हैं और ये जमदग्नि पुत्र और रेणुका के पुत्र हैं, ब्राह्मण ऋषि कुल में पैदा हुए, इसलिए हम उनको मानते हैं। इनकी भावना ये है कि देश में, प्रदेश में, हर समाज के लोगों की हमको रक्षा करना है, तो हम अपने ब्राह्मण समाज को प्राथमिकता के साथ साथ सभी लोगों को भी एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए, सभी के सुख दुख में काम करने के लिए हमने अपना संगठन किया। मैं पंडित सुधाकर द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड ब्राह्मण महासभा कुमार। देश में बहुत ही अखंड ब्राह्मण सभाएं हैं। अखंड ब्राह्मण सभा महिला कार्यकारिणी को विशेष महत्व द्वितीय गठन कर रही, इसका कारण है कि समाज में महिला ही बच्चों को संस्कार दे सकती है, पुरुष तो बाहर रहती है। मानस तुलसीदास जी ने लिखा हुआ ब्राह्मण समाज है, मुखिया मुख तो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकलंग तुलसी सहित विवेक। ब्राह्मण वो चीज है वो केवल अपने समाज का भला नहीं चाहता, जैसा मुख भोजन करते हैं सब पूरे अंग को पालता है, वैसे ब्राह्मण समाज समस्त समुदायों का की रक्षा करता है और सबका लालन पोषण करने की कामना करता है, पर बच्चों को संस्कार महिला ही दे पाएंगी। इसलिए अखंड ब्राह्मण सभा को महिला कार्यकारिणी की आवश्यकता पड़ी और इस पर अधिक जोर दे रही है शरद दुबे परैया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। अखंड ब्राह्मण समाज की स्थापना जबलपुर में अशोक कुमार जी के द्वारा की गई और मिले उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइप का हमारा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि समाज में एक नई चेतना जागृत करने के लिए इनके द्वारा काम किया जा रहा है। हमारा पूर्ण समर्थन है और हमेशा रहेगा। तो ब्राह्मण की स्थिति आज क्या है ये सब जानते हैं, किंतु क्या है ब्राह्मण को एक संगठित संगठन नहीं मिल रहा है कि जो आवाज उठा सके, और हम ये आशा रखते हैं इन पदाधिकारियों से कि वो सहयोग करेंगे समाज को। धन्यवाद। साक्षी मानकर वचन देती हूँ, देता हूँ कि मैं निष्ठा एवं श्रद्धा से समाज के हित में कार्य करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करूंगी। मेरे द्वारा किसी प्रकार से सामाजिक संस्कारों में त्रुटियां पाए जाने पर संगठन द्वारा मेरी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। मैं अखंड ब्राह्मण सभा समिति के नए अनुशासन टीम द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करूंगी। मैं
यह शपथ भगवान परशुराम को साक्षी मानकर लेती हूँ। जय जय परशुराम। बोलिए परशुराम भगवान की जय। जबलपुर से ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।